एक झील जो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है, फिर गर्मियों का मौसम आता है और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें रॉकेट साइंस क्या है? जी बिल्कुल नहीं, यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और उसी के साथ सैकड़ों नर कंकाल उभर कर झील के अंदर आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इस झील का मंजर कुछ ऐसा होता है कि आप देखकर चौंक उठेंगे। चारों तरफ मानव हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी भारी मात्रा में लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो आज कंकालों की झील में बदल गए हैं। यह किस्सा है रूपकुंड झील का, जो इन नर कंकालों की वजह से ही आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां के लोगों के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं और इन नर कंकालों से जुड़ी बहुत सारी कहानियां भी। बहुत सारी रिसर्च सेंटर ने इस पर रिसर्च किया है और अपनी अपनी थ्योरियां दुनिया के साथ साझा की हैं। आज हम बात करेंगे इसी रूपकुंड झील की और उससे जुड़े इन नर कंकालों की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपको अवगत कराऊंगा एक ऐसी झील से जहां पर नर कंकालों के बेशुमार ढेर मिलते हैं, और उस रहस्य से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो इस झील को रहस्यमयी बनाता है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चामोली में स्थित है। यह हिमालय में बसी एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। यह 16,499 फीट ऊंचे हिमालय पर है। यह चारों तरफ से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है। यह झील बहुत ही गहरी है। यह झील टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहां रोमांचक यात्रा के शौकीन लोगों का तांता लगा रहता है। टूरिस्ट यहां ट्रैकिंग करते आ पहुंचते हैं और इस जगह पर मौजूद नर कंकालों को देख अचंभित होते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद नर कंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में हुई थी। इसकी खोज एक नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर एच के माधवल द्वारा की गई थी। इस जगह के बारे में नेशनल ज्योग्राफी को पता चला तो उन्होंने भी यहां अपनी टीम भेजी। उनकी टीम ने इस जगह पर 30 और कंकालों की खोज की। साल 1942 से हुई इसकी खोज के साथ आज तक सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं। यहां हर लिंग और हर उम्र के कंकाल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियां, नाखून, बाल, मांस आदि अवशेष भी मिले हैं जिन्हें संरक्षित करके रखा गया है। बताते चलें, खास बात यह है कि कई कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर भी हैं, जिसके पीछे भी कई सारी थ्योरियां हैं। इस झील से कई सारी कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक थ्योरी ये मानी गई है कि यहां पर मौजूद यह खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है। यह बात 1841 की मानी जाती है, जब वह तिब्बत युद्ध के बाद वापस लौट रहे थे। माना जाता है कि वह बीच में ही हिमालय क्षेत्र में अपना रास्ता भटक गए। इस पर और भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब मौसम खराब हो गया, जिसके बाद वे लोग वहीं फंस गए और उनकी भारी ओलों की वजह से मौत हो गई। वहां दूर दूर तक कहीं भी सिर छिपाने की जगह नहीं थी। हिमालय में आए भीषण तूफान के वक्त से ही लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं एक कहानी ये भी है कि नर कंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद इस पर रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि यह हड्डियां जापानी लोगों की नहीं बल्कि हैं सैकड़ों साल पुरानी हैं। इन कंकालों के पीछे जहां सैनिकों और युद्ध से जुड़ी कहानी है कि वहां के लोकल लोग इससे जुड़ी एक किंवदंती को मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलाम्पा के साथ यहां तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दरअसल वहां हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहां हर 12 साल पर नंदा देवी के दर्शन की बड़ी महत्ता है। राजा बहुत जोरों शोरों के साथ यात्रा पर निकले थे।
लेकिन लोगों का कहना था कि बहुत मना करने के बावजूद राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और वह पूरे जत्थे के साथ ढोल नगाड़े के साथ इस यात्रा पर निकले। मान्यता थी कि देवी इससे नाराज हो जाएगी। हुआ भी वही, इस दौरान बहुत ही भयानक और बड़े बड़े ओले और बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से राजा और रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। हालांकि इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक रिसर्च में कहा गया कि यहां एक ट्रैकर्स का समूह निकला था। यह समूह अपने रास्ते में था कि अचानक बर्फीला तूफान आ गया। इस दौरान गेंद जितने बड़े बड़े ओले आसमान से बरस रहे थे। इस भयानक तूफान से कोई इसलिए भी नहीं बच पाया क्योंकि 35 किलोमीटर तक दूर दूर तक सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। लोगों के सिर और हड्डियां फ्रैक्चर से भरे हुए हैं। जब इन अवशेषों का एक्सरे किया गया तब इनमें फ्रैक्चर के होने की बात पता चली। यही वजह रही कि इसके बाद ओलों की बात की थ्योरी दी गई थी। साथ उस समय यह माना गया कि यह कंकाल 850 ईस्वी के दौरान के हैं। इतनी सारी कहानियां और थ्योरियों के बाद आखिरकार अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य को खोज ही लिया है। पहले वैज्ञानिकों ने इस बात पर इस जगह के रहस्य को खत्म कर दिया था कि रूपकुंड झील में करीब 200 नरकंकाल पाए गए हैं। यह सभी नरकंकाल 9वीं शताब्दी के समय के हैं, जो कि भारतीय आदिवासियों के हैं। इसके अलावा यह कहा गया कि इन सभी की मौत भीषण ओलों की बारिश होने की वजह से हुई है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने शोध से यह निष्कर्ष निकाला कि कंकाल दो ग्रुप्स के हैं, जिसमें से एक ग्रुप में तो एक ही परिवार के सदस्य हैं जबकि दूसरे अन्य समूह के लोग हैं, क्योंकि इनके कद छोटे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन लोगों की मौत किसी हथियार या लड़ाई में नहीं हुई थी। इन सभी लोगों की मौत भीषण ओलों के सिर पर तेजी से टकराने की वजह से हुई है, जिनका आकार बहुत ही बड़ा था। तो इस तरह इस रहस्यमय रूपकुंड झील की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। इसे आज भी लोग एडवेंचर करने के लिए बेहतरीन जगह मानते हैं। अगर आप भी रोमांचक यात्रा के बड़े शौकीन हैं तो इस बार बैग पैक करके यहां जाना न भूलिए। अगर आप इस झील के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी साझा जरूर करें। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।